खुले में सोच को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए राइट टू बी के तहत कानून तक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह स्वच्छता मुहिम की रेलवे प्रशासन अनदेखी कर रही है। इसका एक नमूना कल्याण में सामने आया है, जहां प्लेटफॉर्म पर शौचालय ना होने की वजह से एक महिला खुले में जाकर शौच करने के लिए मजबूर हो गई और शौच से वापस आते समय महिला का लोकल ट्रेन का शिकार हो गई। महिला सीताबाई सोलंकी परभनी की रहने वाली है, जो अपने बेटी के इलाज के लिए मुंबई आई थी। मृतक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच इतनी बुरी तरह अटक गई थी कि उसे निकालने के लिए 1 घंटे का समय लग गया, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा तोड़ने की नौबत आई। रेलवे की अनदेखी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने मिलती है। घटना कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है। सुबह 6:30 बजे के आसपास एक लोकल कल्याण स्टेशन की ओर से बढ़ रही थी। इसी लोकल के चपेट में आकर प्लेटफॉर्म पर चल रही 51 साल की महिला ट्रेन के नीचे आ गई। एक गरीब परिवार से संबंधित यह महिला अपनी बेटी के इलाज के लिए मुंबई के जेजे हॉस्पिटल जाने के लिए आई थी। सुबह 6:30 बजे के आसपास महिला को लघु शंका के चलते प्लेटफॉर्म के नीचे झाड़ियों में उतरना पड़ा। इसकी वजह यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर मुंबई की दिशा में शौचालय नहीं है, जिससे लोगों को रोजाना तकलीफें उठानी पड़ती है। सीताबाई सोलंकी यह महिला भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर थी। लघु शंका कर वापस लौट रही थी कि ट्रेन की चपेट में आ गई। सीताबाई की दर्दनाक मौत के बाद रेल यात्रियों में रेल प्रशासन को लेकर काफी गुस्सा है। सवेरे ट्रेन से आए थे तो वो लोकल डब्बे में बैठे हमने, और यहाँ उतरते ही वो लड़की औरत पेशाब के लिए गई, तो उतरते में वो हादसा हो गया। बदनापुर गाड़ी से जे हॉस्पिटल में आए थे, पूरा प्रूफ है हमारे पास।